लगातार अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं। पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस वक्त जो वहां पर सियासी हलचल चल रही है, अब क्या जानकारी और वहां से मिल पा रही है, क्या कोई उप मुख्यमंत्री होगा या कैबिनेट में कौन चेहरे होंगे, क्या इसको लेकर कुछ पता चल पाया है? देखिए गोनिका, अभी तक इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन कैबिनेट में शामिल होगा। और उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो जो नाम चल रहा है वो अनिल विज और भव्य बिश्नोई का नाम जो है वो उप मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। इस वक्त मैं राजभवन जहाँ पे ओथ सेरेमनी होनी है 5 बजे वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की अगर आपको मैं गोनिका तस्वीर दिखाऊँ तो आप देखेंगे पीछे कि ये पूरा मंडप जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर कुर्सियाँ लग चुकी हैं और बस इंतज़ार है, तो सिर्फ दूल्हे का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे कि थोड़ी देर में जब यहाँ पे नायब सैनी पहुँचेंगे तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेंगे। और अभी तक जो है ये जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही खबर आ रही है कि 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस जो शपथ ग्रहण समारोह होना उसमें 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे और उसके अलावा बाकियों के जो विस्तार है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज जो 5 बजे जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन जो हरियाणा का है वहाँ पर किया जाएगा। जी गोनिका जी, पुनीत आप पीछे तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें हम देख रहे हैं कि 4 कुर्सियां आगे की तरफ पड़ी है जिसमें एक राज्यपाल होंगे, एक नायब सैनी होंगे। तो क्या वो 2 कुर्सियां हम ये मानकर चले कि उप मुख्यमंत्री की हो सकती है, क्या उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं, क्या इन कुर्सियों को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि 2 उप मुख्यमंत्री और 4 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की बात जो है वो सामने आ रही है। और यहाँ पर सामने आप देखें तो यहाँ पर जो कुर्सियां लगी हुई हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं कि एक राज्यपाल होंगे, बाकी जो 3 कुर्सियां हैं उसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM जो है वो यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। आज इस तरह की जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। उसके अलावा 5 कैबिनेट मंत्रियों के नाम की बात जो है वो सामने आई है। हालांकि वो कैबिनेट मंत्री कौन होंगे इस पे अभी जो है स्पष्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन इतना है कि 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। और लगातार जिस तरह से आज सुबह से घटनाक्रम बदल रहा था उसके बाद अनिल विज भी बीच में नाराज होकर चले गए, तो थोड़ी देर पहले ये खबर आई सोर्सेज के हवाले कि कुछ लोग गए हैं अंबाला में अनिल विज को मनाने के लिए क्योंकि उनके नाम पर चर्चा चल रही है डिप्टी CM को लेकर, तो उसको लेकर भी अभी अंबाला गए हुए हैं। अभी अनिल विज साहब मानते हैं नहीं मानते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अनिल विज एक मुखर चेहरा है वहाँ पार्टी का और लगातार उनके बयान भी हम सुनते आते रहते हैं। तो पुनीत आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं, 5 कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं, हालांकि वो कौन होंगे ये जल्दी अब से कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पुनीत, क्या लगातार ये सुगबुगाहट थी हरियाणा की राजनीति में कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी और इतनी बढ़ गई कि उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा, क्या ये बार बार सियासी गलियारों से आप लोगों तक खबर पहुंच पा रही थी? देखिए जाहिर तौर पर पिछले काफी लंबे समय से चर्चा तो ऐसी चल रही थी, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा इतना किसी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हैं, कल उनके तारीफ में कसीदे वहां पर पढ़ते हैं, गुरुग्राम के अंदर जब वो प्रोजेक्ट का जो एक शिलान्यास करने के लिए गए थे और उसके अगले ही दिन सुबह सुबह जो है पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि मुख्यमंत्री जो है उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ता है। जो उनके मेन जो इशू रहा है, जो उनका मुद्दा रहा है कि उनको क्यों हटाया गया है, वो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर जो है वो माना जा रहा है। उसके अलावा जाटों की नाराजगी जो है वो मानी जा रही है और साथ ही कुछ दिन पहले अपने परसों जो है वीरेंद्र सिंह जो कि सांसद भी थे हिसार से, वो भी बीजेपी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के कई का जाट नेता जो थे वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ वो जा रहे थे। तो एक ये वजह थी कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को रोकना चाहती थी जिसके चलते ये कदम जो है पार्टी ने अब उठाया है। जी पुनीत, क्या आप जैसे कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसकी वजह से मनोहर लाल खट्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल उनकी तारीफ की तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज है, लेकिन क्या नायब सैनी उस एंटी इनकम्बेंसी पर लगाम लगा पाएंगे? क्या वो ऐसा बड़ा चेहरा तो है ही वहां पे, लेकिन क्या वहां के जो तमाम विधायक हैं या वहां के जो नेता है उनको वो साध पाएंगे और खासतौर पर वहां का जो OBC वोट बैंक है क्या उसको साध पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि OBC चेहरा को बनाया गया है और गैर जाट नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर से बीजेपी ने बनाया है और ऐसे में क्योंकि यहाँ पर OBC की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इसीलिए इस तरह का चयन जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। और दूसरी बात, कल जिस तरह से आपने बोला कि मुख्यमंत्री से केंद्र नेतृत्व खुश है, जिस तरह से उनकी कल तारीफ भी की गई है, यहाँ वो खुश जुड़ रहा है और हो सकता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको केंद्र में ले जाने की जो बात कही सामने आ रही है, हो सकता है कि जल्द ही जो
मनोहर लाल खट्टर थे उनको भी केंद्र में कहीं उनको एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि किसान आंदोलन के समय में जो नाराजगी जो थी किसानों की, खासकर मुख्यमंत्री खट्टर के साथ सामने आई थी, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार जो नाराजगी थी वो सामने आ रही थी और लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह का फैसला लेना कहीं ना कहीं इसके साथ भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं किसान नाराज थे तो ये एक मिथ को तोड़ा जाए। और एक जो नायब सैनिकों, क्योंकि वो यहाँ पर एग्रीकल्चर से भी जुड़े रहे हैं, कृषि भी रहे हैं, यहाँ पर नारायणगढ़ के रहने वाले हैं और ऐसे में उनको एक चेहरे के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है, जिनकी तरफ से सबको उसमें कोई उनकी बात नाम को लेकर किस तरह की कोई नाराजगी ना हो, एक ऐसा चेहरा जो है ढूंढकर पार्टी सामने लेकर आई है। बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल पार्टी ने करने की कोशिश की है। पुनीता बने रही है हमारे साथ।